नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। लिंगायत समुदाय के लोगों ने बीदर में बसवेश्वर की मूर्ति के करीब मनाया बसव विजय उत्सव। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटका, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल। हरियाणा के सोनीपत की 4 फैक्ट्रियों में आग लगने से हुई भारी तबाही, कई मजदूर हुए घायल। केरल में अब BAMS डॉक्टर जारी कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट। नीट PG काउंसलिंग में देरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान, मरीजों को मिली राहत। डॉक्टर गंगा माता जी ने पहले लिंगादेव कहने का बयान दिया था, अब इसे कोडला संगम देव कहने का बयान आया है। इसके बाद लिंगायत समुदाय के कोडला संगम बसवा धर्म पीठ के सदस्यों और लिंगायत समुदाय के लोगों ने शहर बीदर के नई कमा स्थित बसवेश्वर की मूर्ति के करीब बसव विजय उत्सव मनाया। इस अवसर पर सभी ने बसवेश्वर की मूर्ति पर फूलमाला डाली और प्रसन्नता स्पष्ट की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष कुशल राव पाटिल खाजापुर, सोमशेखर पाटिल गादगी, संजू कुमार पाटिल, सुरेश चंद शेट्टी और APMC अध्यक्ष विजय आनंदे के अलावा दूसरे उपस्थित थे। लिंगायत समुदाय के लोगों ने KP न्यूज के कैमरामैन साबिर खान को इस संबंध में बताया। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे 20 साल से जो बसवण्णा का वचन का जो लिंगादेवा बोलते थे, वो माता जी जो गुलबर्गा में रैली थे, उस रैली में उन्होंने एक घोषणा की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को मैं स्वागत करता हूं और आगे मैं लिंगादेवा वचन दीप्ति पुस्तक नहीं प्रकट करूंगा बोल के वो कार्यक्रम ऐसी पेंडिंग में रहता। अब आज परसों माते गंगा देवी जी ने उस कार्यक्रम को पूरा किया है क्योंकि जो बसवा लिंगायत धर्म जो संगठने में पीछे पड़ रहा था, इस वजह से सभी लोग मिलके, सभी संगठने मिलके, सभी संगठनों को मिला के हम कार्य करेंगे और लिंगायत होराट के लिए ये जो निर्णय लिया है, मैं माते गंगा देवी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बसवेश्वर बसवण्णा एक लिंगायत के प्रवादी थे, लिंगायत धर्म जो युवनम बोले तो हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, अपना हर एक दुनिया में हर एक इंसान सब एक ही है, एक ही भगवान है, एक भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं, और वर्क इज वर्शिप बोले सो एक ही एक व्यक्ति वो बसवण्णा है। वो बसवण्णा जो वचन लिखे थे और वचन को तोड़ मरोड़ के बोले तो उसको एक वचनांकित बोल के जो लिखते हैं उसको वचनांकित रहता। 1996 में माते महादेवी जी बसवण्णा के वचनांकित को लिंगादेव किए थे। आज उसके वजह से बहुत से संगठन वो नए हुए थे, लेकिन आज नए माता जी जो आए हैं गंगाम्बिके माता जी, उन्होंने जो है आज लिंगादेवा निकल के फिर से कोडला संगमादेवी किया है। उसके 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 स्वागत में पूरा लिंगायत समाज एक होके आज सब लोग खुशी मना रहे हैं। इस पूरा लिंगायत समाज एक हुआ है इसमें, धन्यवाद। बसव तत्व एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से चलाए जाने वाले VK इंटरनेशनल PU कॉलेज एंड हाई स्कूल बीदर में आज बसव तत्व एजुकेशन ट्रस्ट के वर्ष 2022 के कैलेंडर, डायरी और वॉच जारी किया गया। इस कार्यक्रम में रघुनाथ राव मलकापुरे, अरविंद अर्ली MLC और विजय कुमार आनंदे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। रघुनाथ राव मलकापुरे MLC ने कैलेंडर और अरविंद अर्ली MLC ने डायरी और डॉक्टर वैजनाथ कमठाने ने वॉच रिलीज किया। इस अवसर पर सभी छात्रों में कैलेंडर, डायरी और वॉच वितरण किए गए और मिठाई वितरण कर एक दिन पहले नए वर्ष की खुशी मनाई गई। साथ ही इस अवसर पर इस संस्था की दानी श्रीमती लक्ष्मी बाई कमठाने ने अपना 76वां जन्मदिन मनाया। बसव तत्व एजुकेशन ट्रस्ट के सेक्रेटरी दिलीप कमठाने ने KP न्यूज के कैमरामैन साबिर खान को इस संबंध में बताया। बसव तत्व एजुकेशन ट्रस्ट बीदर सुमार 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಲೋ ಹಿಂದಿ ಬೋಲೋ बसव तत्व एजुकेशन ट्रस्ट ये 40 साल से चल रहा है बीदर में। इसमें प्राइमरी, हाई स्कूल, PU कॉलेज, डिग्री कॉलेज, BEd कॉलेज, DEd कॉलेज, ऐसे अंग संस्थे बहुत है। ये संस्थे के अंदर 160 लोग काम करते हैं, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल सब आ गए इसमें। उन्हीं के दौलत से ये अच्छा कॉलेज चल रहा है,
हमारा स्टाफ के वजह से आज मेरा पास 2000 स्टूडेंट है। ये हमारा स्टाफ का कितना भी तारीफ करो कम है, वो स्टाफ के वजह से स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और स्टाफ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनका आभारी हूँ मैं। ये आज हर साल के जैसे इस साल 2022 का कैलेंडर, डायरी और वॉच रिलीजिंग आज फंक्शन किए हैं। उसके मुख्य अतिथि रघुनाथराव मलकापुरे MLC एंड अरविंद अरली MLC, ऐसे बहुत से लोग आए थे उनके। आज हमारा कैलेंडर रघुनाथ मलकापुरे ने इनॉग्रेशन किए, डायरी ने अरविंद अरली इनॉग्रेशन किए और वॉच वैजनाथ कमठेणी जी, डॉक्टर वैजनाथ कमठेणी जी इनॉग्रेशन किए। और इसकी इनॉग्रेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स को डायरी, कैलेंडर और स्वीट बांट के खुशी एडवांस एक दिन खुशी मनाया है। न्यू ईयर 2022 अच्छा साल आने दो, जो पुराना दो साल में जो प्रॉब्लम हुआ इस साल नहीं होना, इसलिए भगवान को दुआ करते हैं कि सभी अच्छा होना। संस्था का दानी जो बिल्डिंग जो बना के दिए है श्रीमती लक्ष्मीबाई कमठानी जी, उनका 76 का आज बर्थडे हुए और ये बच्चों के साथ उन्होंने बर्थडे बना लिए, खुशी की बात है। और उनकी जो अनएजुकेटेड लक्ष्मीबाई कमठानी है बोल के, कोई अनएजुकेटेड नहीं रहना बोल के उनके नाम से फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। जो अनाथ स्टूडेंट है उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए बसवता एजुकेशन ट्रस्ट आ गया है। मैं डॉक्टर डीवी कमठाने इस फंक्शन के स्टेज पे मैं अनाउंस करता हूँ। समाजवादी पार्टी के विधान पार्षद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शत्रुघ्न प्रकाश ने शुक्रवार को अपने समर्थकों समेत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रकाश ने यहां भाजपा मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रकाश को भाजपा की सदस्यता दिलाई और पटका पहनाकर तथा गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। छात्र जीवन से समाजवादी विचारधारा से जुड़ाव रखने वाले प्रकाश ने प्रख्यात समाजवादी नेता राज नारायण की पुण्यतिथि पर सपा से रिश्ता तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर शहर में जिन्ना टावर के नाम बदलने की मांग को लेकर जंग छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखे गए गुंटूर के जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग कर रही है। महात्मा गांधी रोड पर गुंटूर के केंद्र में स्थित जिन्ना टावर साल 1945 के आसपास बनाया गया एक लंबा स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि 1945 में विभाजन से पहले जिन्ना गुंटूर आने वाले थे, तभी से स्थानीय मुसलमानों ने उनके नाम पर एक मीनार का नाम रखा है। इस टावर में गुंबद के आकार की संरचना के साथ 6 पिलर हैं और इसे स्थानीय लोगों द्वारा सद्भाव और शांति का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, इस स्थान को जिन्ना सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। केरल सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब राज्य में लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आयुर्वेदिक मेडिसिन में ग्रेजुएट डॉक्टर भी जारी कर सकेंगे। इस बात की जानकारी परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने दी है। इससे पहले केवल एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके चिकित्सकों को ही प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में ग्रेजुएट डॉक्टर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। यह फैसला इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के निदेशक की तरफ से किए गए सुधार के आधार पर लिया गया है। इसमें कहा गया था कि BAMS डॉक्टर भी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए MBBS डॉक्टर्स की तरह योग्य होते हैं। मंत्री ने जानकारी दी कि यह फैसला संबंधित अधिकारियों की तरफ से लगातार मिल रहे अनुरोध के आधार पर लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2021 में सभी को कोरोना की दोनों डोज लगा दी जाएंगी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र सरकार का दावा था कि 2021 के अंत तक सबको दोनों डोज वैक्सीन लगाएंगे। आज साल का अंत है, देश अब भी वैक्सीन से दूर, एक और जुमला चकनाचूर। राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित खबर के स्क्रीनशॉट के साथ यह ट्वीट किया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखें अन्य समाचार। हरियाणा के सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां आग ने एक के बाद एक चार फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया है। जानकारी के अनुसार सबसे पहले फ्लैट नंबर 1239 में ओम पैकिंग नाम से बनी फैक्ट्री में आग लगी थी। इस बीच फैक्ट्री में सो रहे कुछ मजदूरों ने छत से कूदकर जान बचाई तो कुछ के चोटिल होने की खबर आई है। बता दें कि सोनीपत की इन फैक्ट्रियों में गत्ता व अन्य सामान बनने का काम होता है। वहीं गुरुवार की रात ओम पैकिंग फैक्ट्री से आग की शुरुआत हुई थी। इसके बाद चार फैक्ट्रियों में भयानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन फैक्ट्रियों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। वहीं आग लगने की सूचना के बाद सोनीपत समेत पानीपत से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई थी। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में चल रही रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया गया है। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर आज दोपहर 12 बजे से काम पर लौटेंगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बयान जारी करके यह जानकारी दी। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने से अस्पताल के चक्कर काट रहे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। हाल ही में प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों और पुलिस में झड़प होने के बाद मामले ने और तुल पकड़ लिया और डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया था। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय 6 जनवरी को सुनवाई से पहले समिति की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदर्शन में भाग लेने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारतीय रेलवे ने नए साल पर बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। इंडियन रेलवे ने 1 जनवरी 2022 से पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 23 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव देने की घोषणा की है। इन ट्रेनों ठहराव अस्थायी तौर पर देने की बात कही गई है। ये ट्रेनें पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट तक रुकेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 2 दर्जन जोड़ी ट्रेनों का ठहराव 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक के लिए होगा। इसमें आम यात्रियों के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी। भारतीय रेल की तरफ से इन ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस के नए लहर से चीन का बुरा हाल है। उत्तरी पश्चिम चीनी शहर जियांग में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 8 दिन से लॉकडाउन जारी है। 13 करोड़ आबादी वाले इस शहर में कई लोग कई दिनों से भूखे हैं। चीनी नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक 29 दिसंबर को चीन में 156 नए लोकल ट्रांसमिशन वाले केस रिपोर्ट हुए हैं। 156 केस में से 155 जियांग क्षेत्र से थे। लोकल ट्रांसमिशन के अलावा भी कोविड के 51 इंपोर्टेड केस मिले हैं। 9 दिसंबर से अब तक इस क्षेत्र में 1117 नए मामले सामने आए हैं। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 दिसंबर से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही सभी पब्लिक एक्टिविटी पर बैन लगा दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए शहर के एक सरकारी अधिकारी जांग फेंगू ने कहा कि जियांग शहर वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में जिंदगी और मौत वाले स्टेज में पहुँच गया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में कहर मचा रहा है, इसलिए ज्यादातर देशों ने अपने यहाँ कोरोना नियमों, आइसोलेशन और एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इस बीच अमेरिका में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फ्लाइट के बाथरूम में ही आइसोलेट होना पड़ा। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो से आइसलैंड की उड़ान के दौरान आधे रास्ते में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अमेरिकी महिला को फ्लाइट के बाथरूम में 5 घंटे के लिए आइसोलेट कर दिया गया। WABC टीवी ने बताया कि मिशिगन की एक टीचर मारिसा फोर्टियो ने कहा कि 19 दिसंबर को यात्रा के दौरान उनके गले में दर्द होने लगा था, इसलिए वह तेजी से कोविड टेस्ट कराने के लिए बाथरूम गई। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने दिल्ली में सिनेमा घर बंद होने पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार से सिनेमा घरों को खोलने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने हाल में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों और कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के चलते दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के तहत राज्य में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम प्रतिबंधों के साथ बंद है। इसे लेकर करण ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार से अपील की है। करण जौहर ने अपने ट्वीट में लिखा, हम दिल्ली सरकार से सिनेमा घरों को संचालित करने की अनुमति देने का आग्रह करते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लिंगायत समुदाय के लोगों ने बीदर में बसवेश्वर की मूर्ति के करीब मनाया बसव विजय उत्सव। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटका, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल। हरियाणा के सोनीपत की 4 फैक्ट्रियों में आग लगने से हुई भारी तबाही, कई मजदूर हुए घायल। केरल में अब BAMS डॉक्टर जारी कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट। नीट PG काउंसलिंग में देरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान, मरीजों को मिली राहत। KP News में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।